हेलो दोस्तों, मैं सचिन आज फिर आपके सामने आया हूँ और आज हमारे साथ है मिस्टर रेयांश जो कि पंजाबी सिंगर है। तो रेयांश जी, आप बताइए आपकी जर्नी कैसे है यहाँ तक के आने की? जर्नी तो ऐसा है, जैसे कि सबको पता है कि कहीं तक आपको पहुँचना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहती है। तो ऑफकोर्स मेरे लिए भी स्ट्रगल थी, कोई भी चीज़ आसान थी नहीं, लेकिन जर्नी की अगर हम बात करें तो मैं ये बोलूँगा कि जर्नी अभी कंटिन्यू है, जर्नी अभी खत्म हुई नहीं है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, बिल्कुल एक शुरुआत है। तो जर्नी तो अभी चल रही है, तो देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। वो मेरे को पता है आप शायद एक्टर भी रह चुके, तो एक्टर से सिंगर बनना मतलब एक फील्ड ही चेंज कर दिया आपने। हाँ, मैं एक्चुअली एक्टर ही हूँ और शुरू से एक्टिंग के लिए ही किया है जो भी चीजें की है। बट क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप सडनली अपना रास्ता चेंज करते हैं। यू नो, अगर आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, आपको पता है कि इस रास्ते पे अगर आप जाएंगे तो वो चीज़ काफ़ी दूर है, लेकिन दूसरे रास्ते से वो चीज़ जल्दी अचीव कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं अपनी एक इजी अगर मैं वर्ड्स में आपको बताऊं कि मैं एज एन एक्टर जब कर रहा था स्ट्रगल, लाइक मैं ऑडिशंस दे रहा था ना, काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए, नो डाउट मुझे काम भी मिला, मैंने किया काम किया, जो भी सीरियल्स किए है ना, कुछ शोज किए, लेकिन क्या रहता है ना कि आपको वो चीज नहीं मिल पाती है जल्दी जिसके लिए आप वो चीज कर रहे हो, कुछ बड़ा अचीव करना, यू नो। तो उस चीज के लिए ना मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा वेट चेंज करना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आपको घर से कोई फ्रंट से एंट्री नहीं करने दे रहा है तो खिड़की से कूद के कूद। यस, एग्जैक्टली सेम वर्ड। तो मेरी सिंगिंग जो है, मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने सिंगिंग कहीं से सीखा नहीं है। Okay. तो ये गॉड गिफ्टेड है, बाय गॉड ग्रेस थोड़ा बहुत गाता हूँ मैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली थी यार कि तुम एक्टिंग से ज़्यादा ना तुम एक काम करो, सिंगिंग पे फोकस करो। और दूसरी चीज़, जैसे आई बिलोंग टू पंजाब, तो हमारी पंजाबी इंडस्ट्री में ना एक ट्रेंड है कि अगर आप एक सिंगर हो और आप फेमस हो तो आप पंजाबी मूवीज के हीरो, मतलब कि सिंगर भी और हीरो बनने का चांस। हाँ, तो वो चीज़ सोच के आई जस्ट थिंक कि चलो यार इसमें ट्राई करते हैं। और ये है कि इसमें मेरे को ज्यादा देर तक स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, जैसे एक्टिंग के लिए बहुत टाइम तक स्ट्रगल चल रही, अभी भी चल रही है, लेकिन इसमें ज्यादा मेरे को स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत जल्दी मेरे को वो चीज मिल गई जिसके लिए की कर मिल नहीं गई, लाइक एक स्टार्टअप हो गया। तो इस तरह से। तो आपने काफी ओरिजिनल सॉन्ग्स भी गाए, तो हमें कुछ सुनाएंगे आप? हाँ डेफिनेटली, मेरा जो फर्स्ट सॉन्ग था इबादत, वो मैं आपको सुनाऊंगा, लिखा भी मैंने ही है, लिखा भी मैंने, कंपोजिशन भी मेरा है, तो वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके पीछे भी कहानी है। पहले मैं वो थोड़ा कहानी बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहानी तो इंटरेस्टिंग होती है कि वही हमारे दर्शकों को इंस्पायर करते हैं, हमारे सिंगर से जो आपकी कहानी इंस्पायर करती है। श्योर, मैं आपको उसकी कहानी पहले उस गाने के पीछे की बताऊं, कहानी क्या थी। एक्चुअली यहीं पे मुंबई में ना, जिसने मुझे ये चीज बोली थी, जिस इंसान ने ये चीज बोली थी कि यार तुम एक्टिंग से ज्यादा सिंगिंग पे फोकस करोगे तो तुम जल्दी आगे जाओगे। और वो जो इंसान है, उसका खुद का स्टूडियो है मुंबई में, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका खुद का स्टूडियो है, ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम सिंगिंग पे फोकस करो, देन मेरे को भी लगा, मैंने सोचा कि हाँ यार ही इज राइट। तो मैंने उनको बोला सर मैं करूंगा, लेकिन मुझे कैसे मिलेगा रास्ता? तो उन्होंने बोला कि काम करो, तुम पंजाब से हो, कि तुम पंजाबी गाना लेके आओ, लाइक लिरिक्स लेके आओ, हम वो गाना करेंगे और मैं तुमको लॉन्च करूंगा। तो आई डोंट नो क्या हुआ, रात को मैं बैठा और एक से दो घंटे के अंदर मेरे से गाना लिखा गया, मतलब जो कि फिल्म में लॉन्च होना चाहते थे आप। हाँ, आप सिंगिंग में लॉन्च। एग्जैक्टली, सडनली ये चीज हुई ना। तो जब मैंने उनको वो गाना सुनाया, नेक्स्ट डे जाके सुनाया, तो ही वॉज जस्ट लाइक यार बहुत बढ़िया है, हम यही करेंगे, बहुत अच्छा है, ये करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अब दिन बीतते गए, 10 दिन 20 दिन 30 दिन, है ना, 1 month बीत गया, लेकिन हाँ कल करेंगे, आज करेंगे, लाइक जैसे होता है ना कि आपने एक सामने वाले को एक वो बीत गया था कि यार तुम लेके आओगे गाना तो मैं करूंगा, लेकिन उनको लगा शायद ये नहीं कर पाएगा, गाना कहीं से लाना या मुश्किल हो जाएगा। और आप एकदम अगले दिन, हाँ वो आ गया, तो वो अब मुझसे थोड़ा कटने लग गए थे, मुझे भी एहसास हो गया कि यार कि वो रिस्पांस नहीं दे रहे, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन वो चीज़ जो उन्होंने बात बोली थी ना, वो मेरे दिमाग में बैठ गई थी और मुझे भी लगा कि वो एक्चुअली में सही चीज़ है, कि मुझे सिंगिंग पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद उनसे हट के ना, मैंने एक्चुअली में जो म्यूज़िक कंपनीज हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया, कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स से मिलना शुरू कर दिया, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, फाइनेंशियल इशूज़ भी आए मुझे और भी सारी चीज़ें हुई। बट ये गाने को ना मैं 2 साल तक लेके बैठा रहा,
2 साल लगाए अपने इस गाने को लॉन्च करने के लिए। ये लेकिन गाने का कुछ हुआ नहीं। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि यार नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक बहुत एक ऐसी चीज आएगी जो कहीं ना हमारे आप C2B के साथ भी कनेक्ट करती है। बताए। मैं बताता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं फेसबुक सर्व कर रहा था और वहां पे मुझे एक मिला कि एक कंपनी है, म्यूजिक कंपनी है, जो कि कुछ नए सिंगर्स को लॉन्च करना चाहती है अगर वो टैलेंटेड हैं। तो मैंने जस्ट ऐसे ट्राई किया, वहां पे गया, उनसे मिला, बात हुई और मेरा ये जो सॉन्ग था ये रिकॉर्ड हो गया। इस तरह से मेरा फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ। लाइक कनेक्ट इस तरह से करती है क्योंकि C2B भी जो है वो फेसबुक के थ्रू और काफी चीजों में लोगों को एग्जैक्टली काफी सारे लोगों को इसके थ्रू भी चांस मिल रहा है। तो मुझे भी उसी तरह से सोशल मीडिया के थ्रू वहां कंपनी का पता चला, मैं मिला, म्यूजिक डायरेक्टर से मिला, जो कंपनी के ओनर थे उनसे मिला और मेरा ये जो सॉन्ग फाइनली रिकॉर्ड हुआ। ये इसके पीछे की कहानी थी। जो आपने अपने गाने के पीछे हिस्ट्री बताई वो तो हमने सुनी, लेकिन हम सुनना चाहेंगे आपसे होगा। हाँ डेफिनेटली मैं आपको सुनाता हूँ। प्यार करना तेनू मेरी आदत बन गई है, प्यार करना तेनू मेरी आदत बन गई है, दुनिया नू छड़ दांगे आदत नी छुटनी, ना लेके जीवना तेरा इबादत बन गई है, ना लेके जीवना तेरा हाँ इबादत बन गई है, दुनिया नू छड़ दांगे इबादत नी छुटनी, प्यार करना तेनू। क्या बात है, बहुत अच्छा बात है। ये तो आपकी स्टार्टिंग थी, लेकिन अब हमें बताइए आप आगे के क्या प्लान्स हैं आपके। आगे के प्लान्स ऐसे ना सर कि अभी काफी सारी चीजें चल रही हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता, कुछ चीजें हैं जो मेरे दिमाग में ही चल रही है ना। फिलहाल तो ये कि मैं जिस कंपनी के साथ मेरा ये गाना था उसी कंपनी के साथ अभी मैं हूँ, उनके साथ मेरे आगे एक दो और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, बहुत जल्दी पंजाबी सॉन्ग्स ही होने वाले हैं, इनमें से एक बीट सॉन्ग होगा और एक रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है इसी फील्ड का। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि डेफिनेटली टाइम आने पर ऑटोमेटिकली सामने आ जाएंगी, अपने आप पता चल जाएगा। मतलब मेरे बताने से ज्यादा है कि वो खुद पता चले, बताने से ज्यादा दिखाने में भी exactly, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट आगे क्या होता है। और हम जानना चाहेंगे आपके C2B के बारे में क्या राय है। C2B यार मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। लाइक मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा था, जब मुझे उस वे में जाना था, एज अ सिंगर कुछ बनना था, मैं ऐसी चीजें कुछ ढूंढ रहा था, तब मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मिला होता तो शायद मेरे लिए बहुत अच्छा होता। तो सीरियसली ये लोग बहुत लकी हैं जो C2B के कंटेस्टेंट्स हैं कि इनको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। पहली बात ये कि आप कोई भी शो देख लो ना, कोई भी कॉन्टेस्ट देख लो, चाहे वो एक्टिंग के लिए हो या सिंगिंग के लिए हो, आपको फिजिकली वहाँ पर जाना पड़ता है। C2B ने एक ऐसा आपको एक ऐसी एक आपको मतलब एक वो दिया, एडवांटेज दिया कि आप अपने घर बैठे वो चीज़ कर सकते हो। एक फर्स्ट ऑनलाइन रियलिटी शो की तरह आप इसको कर रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है कि आप अपने घर बैठे हो और आपने उसके लिए एक वॉइस क्लिप भेजा, आपने एक वीडियो भेजा और आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप क्वालिफाई हो जाते हैं सेकंड राउंड के लिए। सेकंड राउंड में भी आप एक वीडियो भेजते हैं, आप क्वालिफाई हो जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। तो आपका कोई ज़्यादा इसमें कुछ वो है नहीं, आप घर बैठे वो चीज़ कर रहे हो, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना, उनको इस चीज़ को ग्रैब कर लेना चाहिए और इस चीज़ का पूरा फायदा लेना चाहिए। बहुत एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है उनकी लाइफ का। और बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं C2B के लिए, उनको मैं दिल से एक विश करूंगा कि आप की जो जर्नी है बहुत अच्छी चले, बहुत स्मूथ चले और जो आप चाहते हैं वो आप अचीव करें। रेयांश जी आप कुछ कहना चाहेंगे अपने लिसनर्स को और हमारी ऑडियंस को। हाँ डेफिनेटली, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें कह दी गई हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार अभी जस्ट मेरी एक शुरुआत है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे गाने पहले रिलीज हुए आप लोगों ने प्यार दिया, लेकिन वो प्यार बहुत कम था, मेरे को ज़्यादा प्यार चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए इस फील्ड में और ज़्यादा कुछ करने के लिए। क्योंकि अगर आप लोगों का इतना सा भी प्यार मिलेगा ना, तो डेफिनेटली मैं बहुत ऊपर चला जाऊंगा। तो ये कहना चाहूंगा, बाकी जो C2B के जो है ऑडियंस है उनको कहना चाहूंगा कि C2B को जितना प्यार दे रहे हैं और ज्यादा प्यार दीजिए। C2B आपके लिए जैसे पहले काफी सारे कॉन्टेस्ट लेके आया है, आगे भी और कॉन्टेस्ट लेके आ रहे हैं और आते रहेंगे।
तो ये थे आज हमारे साथ रेयांश जी, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया और काफी लंबी जाने वाली है इनकी जर्नी। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही लगे रहिए, आज रेयांश जी हमारे साथ है, कल आप भी हो सकते हैं। थैंक यू।